वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राणा वकास। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर में बताया था कि जे टेबल आप कैसे यूज करते हैं और डाटा इसमें कैसे आप पॉपुलेट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी बटन क्लिक के ऊपर इसमें डाटा रन टाइम पे कैसे ऐड करवा सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लगाई एक, और इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं कुछ यूजर से इनपुट लूंगा। तो मैंने तीन टेक्स्ट फील्ड्स लगा ली हैं यहाँ पर, जिनमें मैं पूछूंगा यूजर से उसका आईडी, उसका नेम और उसका सीजीपीए। सो यहाँ पे एक बटन भी यूज कर लेता हूँ ऐड का, और इसका टेक्स्ट चेंज करके रख लेता हूँ ऐड ऐड स्टूडेंट। लेट सपोज ये है, और इसका वेरिएबल नेम मैंने रख लिया ऐड स्टूडेंट। और इसी तरह ये जो आपने टेक्स्ट फील्ड्स यूज की हैं, इसका मैं नाम रख लेता हूँ आईडी, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ सीजीपीए, ये मैंने यूज कर लिया। और इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं। गाइस जैसा कि आपको ये डिजाइन अब दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर के आईडी नेम और सीजीपीए पूछ रहा हूँ, और यहाँ से ऐड स्टूडेंट पे जब क्लिक होगा तो मैंने ये रिकॉर्ड यहाँ पे नीचे ऐड करना है। सो मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और इसके एक्शन लिसनर में आ जाता हूँ इस फंक्शन के, इस बटन के। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसके एक्शन लिसनर में आ गया, जहाँ पे ऐड स्टूडेंट एक्शन परफॉर्म्ड का फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा यूजर आईडी, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाऊंगा यूजर नेम, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा यूजर सीजीपी। यूजर ने ये वैल्यूज सारी एंटर की हैं, और मैं यहाँ पर ये सारी वैल्यूज गेट कर लूंगा। और गेट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैंने आईडी अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखा था जो मेरे पास टेक्स्ट फील्ड थी उसका। सो मैं यहाँ पे गेट टेक्स्ट यूज करूंगा, और इसको मैं टू स्ट्रिंग के ऊपर मैप कर लूंगा। और आप ट्रिम का फंक्शन यूज कर लें यहाँ पर टू स्ट्रिंग में चेंज करने के बाद, क्योंकि ट्रिम का फंक्शन क्या करता है, कुछ ऐसे कीबोर्ड होते हैं जो आप जब आप एंटर करते हैं नेम किसी का तो लास्ट में वो स्पेस रखवा देते हैं, तो स्पेस को खत्म करने के लिए आप ट्रिम का फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे नेम डॉट गेट टेक्स्ट, तो गाइस जिस तरह सीजीपीए आपके पास स्ट्रिंग में एंटर हो रहा है, तो आप इस सीजीपीए को डबल में चेंज कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे यूज करेंगे डबल, तो आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस टेक्स्ट को डबल के अंदर। उसके लिए आप यूज करेंगे रैप्टर क्लास, डबल का डी बड़ा यूज करेंगे आप, तो ये रैप्टर क्लास यूज हो रही है डबल की। तो आप यहाँ पे कॉल करेंगे पार्स डबल, और यहाँ पे इसके अंदर आपने ये वाला टेक्स्ट गेट कर लिया सीजीपीए का, तो ये आपको सीजीपीए चेंज करके डबल में रिटर्न कर देगा। सो अब बेसिकली मैंने काम क्या करना है, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कहीं पे यूजर आईडी या यूजर नेम या इन तीनों में से कोई वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है। सो अगर एम्प्टी नहीं है तो मैंने क्या काम करना है, अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं काम करूंगा, मैं एक अरे बनाऊंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, और उसका नाम मैंने रख दिया डाटा। और इस डाटा में मैं क्या रख दूंगा, सबसे पहले यूजर आईडी, उसके बाद यूजर नेम, और एंड में मैं क्या रख दूंगा, यूजर सीजीपीए। और यहाँ पे मैं मॉडल जो मैंने बनाया था यहाँ पे, उसका स्कोप था सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये था स्कोप। सो गाइस मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इसको कॉपी करके हम बना लेते हैं क्लास के अंदर यहाँ पर।
मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया डिफॉल्ट मॉडल, और अब ये मैं मॉडल को अपनी पूरी क्लास में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉडल डॉट एड रो, और इसमें मैं पास कर दूंगा डेटा। सो लेट्स रन दिस कोड एंड चेक व्हाट विल बी द आउटपुट। सो गाइस, अब जब आप ये चेक करना चाहते हैं कि एम्प्टी है या नहीं, सो लेट सपोज आप मान लीजिए कि ये यूजर सीडीपी जो है ना, ये एम्प्टी था, तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं डबल के अंदर। सो आपको यहाँ पे ना एक चेक लगाना चाहिए कि कहीं पर ये एम्प्टी तो नहीं है। डॉट इज एम्प्टी का यहाँ पे आपको फंक्शन नजर आएगा। अगर तो इज एम्प्टी नहीं है, अगर तो ये इज एम्प्टी नहीं है, तो तब ये वाला काम होना चाहिए कि यहाँ पे आप ऊपर डबल वेरिएबल बना लें, डबल यूजर सी जी पी ए, ये तो तब ये इसमें ये रखवा दें, अदरवाइज इसको आप इनिशियलाइज करवा दें 0.0 से। ये आपने कर दिया, और यहां पर आप चेक कर लें कि इफ यूजर सी जी पी ए अगर तो डबल इक्वल टू 0.0 के डबल इक्वल टू है, या फिर जो यूजर नेम है वो इज एम्प्टी है, तो तब भी आप ना करवाएं रिकॉर्ड को ऐड। और अगर आपका यूजर आईडी भी इज एम्प्टी है तो तब भी आप ना ऐड करवाएं। सो यहाँ पे आप यूज कर लेंगे ये ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप यूज कर लेंगे एल्स, और एल्स में ये वाला सारा काम आपका एल्स में हो रहा होगा, डाटा जो इंसर्ट होना है आपका। तो इसकी थोड़ी सी इंडेंटेशन आप कर लें, तो इंडेंटेशन जरूर आप किया करें। यहाँ पे यूज कर लेते हैं जे ऑप्शन, पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे आपको ये यूजर आईडी और हाइट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग देंगे सिर्फ, जो कि आप एरर शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जस्ट आप एरर शो कर दें कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको चलाता हूँ, और चला अब यार जब पॉपुलेट हो रहा है डाटा बटन क्लिक पे, तो फिर मुझे यहां पे मेरे ख्याल से ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है। ये तो हार्ड कोड डाटा है, पहले से दिखाई दे रहा था। अब मैं चलाता हूं इसको, और मैं यहां पे क्लिक करूंगा सपोज आईडी इज 1 2 3 एंड नेम इज लेट सपोज राणा वकास अली, एंड पास सीजीपी इज 3.59। तो ऐड किया, तो ये देखें इसने ऐड कर दिया। अब ऐड होते साथ क्या काम होना चाहिए, सब एम्प्टी हो जाए, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा यूजर आईडी डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको बोल दूंगा नल। इसी तरह मैं यूजर नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और मैं इसको बोल दूंगा नल, और इसी तरह मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये सी जी पी ए को, और सी जी पी ए डॉट, एक्चुअली आपने यूजर आईडी ये स्ट्रिंग बनाया था, तो आपको इधर सिर्फ और सिर्फ आईडी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंपोनेंट जो आपने इधर लगाए हैं यहाँ पे जीयूआई पे, इनका नाम आईडी और नेम है। तो यहाँ पे नेम आप लिखें, और यहाँ पे आप यूज करें सी जी पी ए डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे आप यूज कर लेना। अब जब आप इधर रिकॉर्ड एंटर करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको लेट सपोज ये किया आपने, ये एरर शो कर रहा है। सो मैं आपको आईडी देता हूँ 1 2 5, और नेम मैं देता हूँ राणा वकास अली, और सीजी पे मैं देता हूँ 3.59। तो जब मैंने ऐड किया, सो ये देख सकते हैं आप, इसने एम्प्टी कर दिया। सो गाइज आई होप सो आप अब डाटा इंसर्ट कर सकते हैं रन टाइम पे जे टेबल के अंदर। सो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उनसे फायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।